आज अमावस्या है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। फाइनली दर्शन करके विश्वनाथ गली से बाहर निकल रहे हैं और ये जस्ट सामने से आपको दिखेगा जो मेन मंदिर है वो दिख रहा है, द्वार नंबर 1 है ये। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अभी मैं दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे स्नान करके उसके बाद बाबा के दर्शन करने के लिए निकलूंगा। तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है। आज अमावस्या है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है और नाव सब लगी हुई है, उस पर जाएगी, वहाँ से नहा के फिर वापस आके दर्शन करने जाना है। तो यहाँ पे लाइफ जैकेट ये सब पहन के तैयार हो गए हैं और अब उस साइड जा रहे हैं और नहा के फिर वापस आएंगे और चलेंगे दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। घाट के तरफ बहुत ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से आप हमेशा दशाश्वमेध घाट से नाव लेकर गंगा नदी की दूसरी तरफ ही जाकर स्नान करें। नाव वाले आपको 50 रुपए में ले जाके वापस ले आएंगे। तो यहाँ पे इस घाट पे नहा वहाँ के रेडी हुए हैं, वापस जा रहे हैं। तो वापस इस घाट दशाश्वमेध घाट पहुँच चुके हैं और अब चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे रश हो गया है अभी, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली 1.5 घंटे में दर्शन हो गया है बाबा काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दोनों का, और गेट नंबर 2 से दर्शन हुआ है। तो फाइनली दर्शन करके विश्वनाथ गली से बाहर निकल रहे हैं और अब यहाँ से सीधे गुदौलिया चौक जाना है। तो फाइनली सामने नंदी चौराहा दिख रहा है जिसको गुदौलिया चौक भी बोलते हैं। तो काल भैरव में दर्शन हो गया है, 3 बजे ही खुली है और अभी 3:15 हो रहा है, तो जस्ट तुरंत ही हो गया है दर्शन। अब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ ब्लू लस्सी शॉप जो कि यहाँ का फेमस है, तो चलते हैं अंदर और लस्सी लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे शॉप है, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी वैरायटी की लस्सी मिलती है। मैंने मिक्स फ्रूट लस्सी ऑर्डर किया था जिसका रेट 120 रुपये था। तो ये मणिकर्णिका घाट के बगल से जो द्वार बना हुआ है उसके अंदर आप मोबाइल ये सब लेके आ सकते हैं। यहाँ पे सोमनाथ भवन, महाकालेश्वर भवन ये सब है, तो यहाँ पे फोटो वोटो आप क्लिक कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और ये जस्ट सामने से आपको दिखेगा जो मेन मंदिर है वो दिख रहा है, द्वार नंबर 1 है ये। तो ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से एंट्री अलाउ है और मोबाइल लेकर भी आप लोग जा सकते हैं, अंदर में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आराम से, मंदिर का आता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये देखिए कॉरिडोर है, ये गेट नंबर 1 मणिकर्णिका घाट के बगल से है रास्ता, तो आराम से जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ नेक बैंड और जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सब दे देना है, मोबाइल ले जा सकते हैं, कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फोटो क्लिक करवा के मैं वापस होटल चला गया। तो यही है मेन एंट्रेंस, तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आप लोगों को अंदर का दिखाते हैं। यहाँ पर मोबाइल ये सब अलाउ है तो अंदर का आराम से दिखा सकते हैं। तो अभी आज का पहला मंदिर घूमने आ गए हैं, ये है तुलसी मानस मंदिर। पीछे देखिए राम जी सीता जी ये सब की मूर्ति लगी हुई है और ऊपर में भी यहाँ पे है, तो ऊपर में भी जाकर अभी घूमेंगे। अभी सामने से दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंदिर की भव्यता की तारीफ कर चुके हैं। इस मंदिर को सेठ रतनलाल सुरेका ने बनवाया था। पूरी तरह संगमरमर से बने इस मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सन 1964 में किया गया था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरे दीवार पे रामायण पूरा लिखा हुआ है, उसकी चौपाई है पूरी, चारों तरफ जितना दीवार है सब पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राम दरबार और मां अन्नपूर्णा और सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है। तो चलिए आप यहाँ पे देख लिए, आप अगले मंदिर की तरफ जाते हैं। तो ये आज का दूसरा मंदिर है
त्रिदेव मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं अंदर का। यह मंदिर माँ सती और खाटू श्याम को समर्पित है। यहाँ पूजी जाने वाली देवी महाभारत की उत्तरा का अवतार है। ये आज का मेरा तीसरा मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहाँ मोबाइल तो जमा हो जाएगा अंदर में। इस मंदिर की स्थापना वही हुई है जहाँ महाकवि तुलसीदास को पहली बार हनुमान जी का स्वप्न आया था। तो यहाँ पे भी दर्शन हो गया है और यहाँ से हम निकल रहे हैं। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। तो ये आज का चौथा मंदिर श्री आदि शक्ति दुर्गा मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जितना हो सकेगा दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहीं से एंट्री होती है और अंदर जस्ट सामने मंदिर है और इधर पीछे छोटा सा मार्केट है। अभी थोड़ा सिंगार के लिए बंद हुआ था, उसके बाद खुल गया था। माँ दुर्गा मंदिर का है लेकिन अभी मतलब कि अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं मोबाइल अलाउ था अंदर में। ये देखिए कितना भव्य दिख रहा है अंदर में, तो और भी बहुत अच्छा है। और यहाँ सामने में दुर्गा कुंड भी है, चलिए आपको पास से ले चल के दिखाते हैं। ये देखिए ये है दुर्गा कुंड और जस्ट इसी के बगल में है मंदिर। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं पांचवें मंदिर की तरफ और आपको दिखाते हैं। इसके बाद मैं दिन के आखिरी मंदिर को देखने के लिए अपने ऑटो से निकल पड़ा। ऑटो वाले ने इन सारे मंदिरों को घुमाने के लिए 600 रुपए लिए। तो ये आज का हमारा पांचवा मंदिर विश्वनाथ मंदिर, जिसको बिरला मंदिर भी बोलते हैं। श्री विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे नया विश्वनाथ मंदिर या बिरला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का शिखर विश्व में सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे दर्शन हो गया है और सामने नंदी महाराज है, उनके भी दर्शन करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। नंदी महाराज की थोड़ी सेवा करने के बाद उनसे कुछ बातचीत करके मैं वापस वहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे नंदी महाराज के भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो ये लास्ट मंदिर था, अब यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे दशाश्वमेध घाट की ओर और सीधे आरती में आप लोग से मिलते हैं। आखिरकार शाम को 4 बजे मैं माँ गंगा की आरती देखने के लिए वापस दशाश्वमेध घाट पहुँच गया। एक दीवार जो तेरी शरणागति आता मैया, शरणागति आता प्रवाद पावित स्थले गले बलम बलम भुजंग तुंग मालिका मुनि वर चन्ने पतित निवारिणी त्रिभुवन देवी सुरेश भगवती दुर्गे। माँ गंगा की आरती पहली बार इतना करीब से देख के काफी आनंद आया। आरती के बाद मैं वही घाट पर कुछ देर बैठा रहा और फिर रात होते ही मैं अपने होटल को लौट गया। तो ये यहाँ का स्टे है, ये डबल बेड लगा हुआ है और रूम काफ़ी सही है। तो ये रूम पड़ा है 750 का पर नाइट और काफ़ी सही रूम है। हल्का थोड़ा गली में है लेकिन सही है। मेन रोड पर 1000 में दे रहा था लेकिन सही, उसका मतलब कि स्पेस नहीं था, कंजेस्टेड लग रहा था। इसमें अच्छा खासा स्पेस है और डबल बेड है। तो ये गेस्ट हाउस था श्री सिद्धि विनायक पेइंग गेस्ट हाउस। तो ये जो होटल था, ये जो गोदौलिया मेन चौक है वहाँ से बस 200 से 300 मीटर अंदर रहा होगा। काफ़ी सही लोकेशन पर थी, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं सामने गोदौलिया चौक दिख रहा है। ये देखिए सामने ही गोदौलिया चौक है। हाँ जी, तो मैं अभी स्टेशन पे आ गया हूँ। ठंड तो है अभी भी और आपको बनारस घूमने के लिए 2 दिन काफ़ी है। पहले दिन आप सुबह उठकर नहा कर दशाश्वमेध घाट पे नहा के आराम से
जाके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑटो बुक कर लीजिए और जितने भी मंदिर है वो आराम से दिन भर में आप घूम लेंगे। ऑटो वाला वही 500 से 600 लेगा। और शाम को आप गंगा आरती देख लीजिए और दूसरे दिन आप जो छोटा फूटा मार्केटिंग होगा वो कर सकते हैं, बोटिंग वोटिंग या घाट जो होगा वो घूम सकते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को दो दिन का रूम रेंट का खर्च आएगा 1500। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन ये सब का होगा 600 से लेके 700 होगा। और अपना जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आप पकड़ लीजिए 300-400 के। और खाना का वही समझ लीजिए दो दिन का आपका लगने वाला है 500 से 600। हाँ, तो कुल मिला के आप लोगों को दो दिन में वाराणसी घूमने के लिए 3000 रुपये चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो 3000 में हो जाएगा, और अगर शेयरिंग में दो आदमी से हैं तो जो होटल का है वो खर्च बट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले किसी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी लिमिटलेस, बाय बाय।